बीमा कंपनी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने आईपीओ की आधिकारिक घोषणा कर दी है। एलआईसी का आईपीओ आम जनता के लिए 4 मई से 9 मई तक खुलेगा, जिसको लेकर राजधानी दिल्ली में कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने एलआईसी के आईपीओ को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि एलआईसी को कम करके क्यों आंका गया है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि एलआईसी की असली वैल्यू सरकार की तरफ से बताई गई कीमत से कहीं ज्यादा है। देश की सबसे बड़ी कंपनी जिसमें 30 करोड़ देशवासियों का हिस्सा है, सुरजेवाला ने कहा कि ऐसी कंपनी को इसकी कीमत से कम पर आंका जा रहा है। इस कंपनी को 1 सितंबर 1956 में शुरू किया गया था। उन्होंने कहा कि अक्षय तृतीय पर जब लोग नया बिजनेस शुरू करते हैं, तब मोदी देश की बड़ी कंपनी में हिस्सेदारी बेच रहे हैं। कई एक्सपर्ट्स का भी कहना है कि एलआईसी के शेयर्स को कम दामों पर बेचा जा रहा है। आज के दिन नया व्यापार शुरू करना उत्तर भारत के कोने कोने में खास तौर से बहुत शुभ माना जाता है, पर दुर्भाग्य है कि मोदी सरकार देश के सबसे बड़े व्यापार को अक्षय तृतीया के ऐन मौके पर बेच रही है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, जिसे 1956 में पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संजोया था और फिर ब्रिक बाय ब्रिक, एक एक ईंट, एक एक रोड़े से बनाया था, जो इस देश की मलकियत है। साथियों, एलआईसी का नारा है जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। तो हम मोदी जी से पूछ रहे हैं फिर इतनी जल्दबाजी क्यों? सच ये है कि माले मुफ्त दिलो बेरहम, ये एक पुरानी इस देश की कहावत है। दशकों से 140 करोड़ लोगों के खून पसीने की कमाई व कर से खड़ी की गई कंपनियां और सार्वजनिक उपक्रम, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, फायर सेल में मोदी जी बेच रहे हैं। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि कंपनी की वैल्यू जो इस साल फरवरी में 12 से 14 लाख करोड़ रुपए थी, उसे दो महीने में ही घटाकर 6 लाख करोड़ कर दिया गया। ऐसा क्यों हुआ?